कॉन्फ्रेंस मैं अभी शुरू नहीं कर रहा, मैं तो वचन पत्र कॉन्फ्रेंस के पहले जो आपने सबसे पहले मुझे प्रश्न पूछा था कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने का, मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ। अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो, और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है, लेकिन लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है, जैसे मैंने कहा राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है ग्रीस पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। तो आप सबका आज के दिन बहुत बहुत स्वागत। मुझे मालूम, मैं मेरी सोच कांग्रेसियों की नहीं है जो हर चीज़ को पकड़ पकड़ के फाड़े। मेरी यही सोच है कि हमें अपने काम में अपना ध्यान देना होगा, उनको अपना काम देखना है, हमको अपना काम देखना है। मेरी सोच सदैव सकारात्मक रही है, मेरी सोच सदैव जनता के विकास और प्रगति और संगठन को मजबूती प्रदान करने की रही है। अपने इर्द गिर्द नकारात्मक तत्व कांग्रेस पार्टी के सदैव रहें, लेकिन जो समय हमें दिया गया है इस पृथ्वी पर, उस समय का सदुपयोग करके लोगों की आशा और आकांक्षाओं पर खड़े उतरना, मेरे पूर्वजों की तरह, मेरी आजी अम्मा की तरह, मेरे पूज्य पिताजी की तरह, प्रधानमंत्री जी के पदचिन्हों और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल के हमें लोगों की सेवा, लोगों का विकास और लोगों की प्रगति, और यही आपने भी देखा है पिछले 20 वर्षों में, यही मेरी कोशिश रही है। अब आप समझो कि अगर, और ये मैं कोई टीका टिप्पणी के रूप में नहीं, लेकिन अगर दो लोगों के बीच में ही, दिग्गज नेताओं के बीच में इस स्थिति पर चर्चा हो रही है, तो अगर, और मुझे विश्वास है प्रदेश की जनता ये होने नहीं देगी, लेकिन अगर उनके हाथ में शासन आएगी तो जनता का क्या हाल होगा? अगर उन दोनों के बीच में यही हाल है तो जनता का क्या हाल होने वाला है? और जहां तक वचनों की बात है, वो तो एक इतनी गहरी खाई है कांग्रेस की और इन दोनों की, कि वचन की लिस्ट तो बड़ी लंबी होती है पर पूरी एक भी नहीं होती। मैनिफेस्टो बनाना, उसमें अनेक तरीके के मिश्रण, अनेक तरीके के लुभानवी मुद्दों को डालना, ये बहुत आसान है, लेकिन 15 महीनों में जो इन्होंने मध्य प्रदेश का